कोयलांचल धनबाद के व्यवसायियों के लिए खौफ का पर्याय बन चुके स्वयंभू गैंगस्टर प्रिंस खान के नेक्सस को ध्वस्त करने में धनबाद पुलिस पूरी तरह से जुट गई है। पिछले दिनों बैंक मोड़ इलाके में रंगदारी के लिए दो अलग अलग जगहों पर फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले 5 अपराधियों को धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधी में 2 क्राइम के लिए मोटिवेट करने वाले लोग भी शामिल हैं। पकड़े गए अपराधी सलूजा मोटर्स एवं खराना में फायरिंग मामले में शामिल रहे हैं। 2 अपराधियों पर पहले से गंभीर मामले चल रहे हैं। उनमें एक नन्हे कांड हत्याकांड में वांछित। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि प्रिंस के लिए काम करने वाले 5 अपराधियों की गिरफ्तारी से फायरिंग समेत अन्य अपराध की घटनाओं में कमी आ जाएगी और वह दिन अब दूर नहीं जब उनका नेक्सस पूरी तरह ध्वस्त होगा। पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, कारतूस, बाइक एवं मोबाइल जब्त किया गया है। एसएसपी ने जिले के व्यवसायियों एवं आम लोगों से रंगदारी मांगने वाले अपराधियों को एक्सपोज करने एवं रंगदारी के लिए फोन कॉल अथवा मैसेज आने पर पुलिस से तुरंत संपर्क करने की अपील की है। पिछले महीने बैंक मोड़ क्षेत्र में 2 फायरिंग की घटना घटी थी, जो विशेषकर ये घटना जो थी वो जिसमें बाद में ये प्रकाश में आया था कि ये घटना एक्सटॉर्शन को लेकर के किया गया है, खासकर इसमें प्रिंस खान गैंग के कुछ सदस्यों के द्वारा ये किया गया है। जब इस घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो इसमें हमारे DSP और जो लोकल इंस्पेक्टर्स थे और जो पूरी टीम जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर लगाई हुई है उसको इस पर लगाया था। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने दोनों कांड का उद्भेदन कर लिया है और विशेषकर जो इस कांड में शामिल अपराधकर्मी थे जिन्होंने जो फायरिंग को अंजाम दिया है उसकी भी गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। कुल 5 अपराधकर्मी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें मोहम्मद आजाद आलम, विकास कुमार महतो, जुगनू अंसारी, गोलू कुमार रवानी और शिवम कुमार प्रसाद, इन 5 अपराधकर्मियों को हम लोगों ने पकड़ा है। आजाद आलम पूर्व में भी नन्हे हत्याकांड में जेल में गया था और जो पहला घटना जो सलूजा मोटर्स के आसपास जो गोली चली थी उसमें ये खुद इसने गोली चलाई थी और इसके साथ जुगनू अंसारी नाम का एक व्यक्ति था, वो लड़का था, वो भी पूर्व में वो शामिल किसी घटना में नहीं रहा है। इसी प्रकार जो दूसरी घटना थी जो घराना ज्वेलर्स में हुआ था उसमें विकास कुमार सिंह उर्फ विकास कुमार महतो इसके द्वारा उस फायरिंग को अंजाम दिया गया था। फिर इसमें गोलू रवानी और शिवम शिवा प्रसाद के द्वारा हथियार सप्लाई किया गया था। तो इन 5 अपराधकर्मियों का अलग अलग रोल रहा है। इसमें एक चीज़ जो बार बार देखी जा रही है कि कुछ अपराधकर्मी रहते हैं जो खासकर नए लड़कों को प्रेरित करते हैं और अपने साथ आने का तरह तरह से उनको लुभावना चीज़ों को दिखा करके उनको प्रेरित करते हैं और उनको उनके साथ उनको क्राइम में इन्वॉल्व करते हैं। और कई बार मैं पिछले बार भी कई बार लोगों से आप लोगों के द्वारा अपील कर चुका हूं कि ऐसे लड़कों को खासकर घर परिवार समाज हम सबकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि ऐसे लड़कों को सही रास्ते में ले जाया जाए, उनको बताया जाए कि इस तरह से करने से उनकी जो क्योंकि इसमें एक बार नाम आ गया तो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ को हम लोगों को सुनिश्चित कराना होगा। बाकी जो अपराधकर्मी हैं जब भी कोई अपराध होगा हम लोग लगातार लगे हुए हैं किसी पर भी प्रकार के अपराध को ताकि हम लोग तुरंत उनको उद्भेदन कर पाएँ और अपराधकर्मियों को पकड़ पाएँ। इस दोनों घटनाओं का पूरी तरह से उद्भेदन कर लिया गया है और जो इसमें प्रयुक्त हथियार थे वो भी बरामद कर लिया। किन क्षेत्रों से गिरफ्तारी की गई है? अलग अलग क्षेत्रों से गिरफ्तारी की गई है, धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों से इनकी गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में अलग से एक आर्म्स एक्ट का भी कांड दर्ज किया गया है। हथियार में क्या गिरफ्तारी? हथियार में एक पिस्टल है जिसमें जिसके द्वारा ये दोनों कांड को अंजाम दिया गया था। 8 जिंदा गोली बरामद किया गया है, 3 मोबाइल फ़ोन है और जो मोटरसाइकिल जिस मोटरसाइकिल से इन्होंने घटना को अंजाम दिया था उस मोटरसाइकिल के भी को भी हम लोगों ने सीज किया। पूछताछ के क्रम में यही बताया गया कि इनको निर्देश मिले थे इस घटना को कारित करने के लिए और इसलिए जो भी अन्य अपराधकर्मी हैं जो
अलग अलग क्षेत्र से उनको निर्देश दिए हैं या उनको भी हम लोगों ने चिन्हित कर लिया और सबके ऊपर कार्रवाई की। सभी धनबाद के हैं कि बाहर के भी हैं? सर मोस्टली सब धनबाद के। कुछ अपराधी के इतिहास पांचों का सर, इसमें से दो, एक तो आजाद आलम है जो नन्हे हत्याकांड में शामिल था और एक शिवम कुमार प्रसाद उप शिवा जो कि हथियार सप्लाई किया है वो हाउसिंग कॉलोनी में जो घटना घटी थी उसमें शामिल। सर आज निरीक्षण किया, सर कोर्ट का भी निरीक्षण किया आज आपने? सर हाँ, न्यायालय का, क्योंकि न्यायालय की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, उसको लेकर के हम लोग लगातार सुरक्षा ऑडिट करते हैं। आज पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी हमारे जो डीजी सर के द्वारा एक इस संबंध में VC भी लिया गया था, तो इसलिए हम लोगों ने तुरंत जा करके जो हमारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जो हमारा एक्सेस कंट्रोल है और जो हमारा वहाँ और सुरक्षा के क्या उपाय किए जा सकते हैं, चाहे मोर्चा का गठन हो या जो उनका आवासीय परिसर है उसका सुरक्षा के लिए, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट जो कोर्ट्स हैं उसके सुरक्षा के लिए, हम लोग लगातार उसकी ऑडिट करते हैं और आवश्यकता अनुसार जो उसमें कुछ अगर कुछ बनाना है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराना है तो संबंधित विभाग को निर्देश दिया जाता है और हमारे तरफ से जो हमारे जो शॉर्ट टर्म हैं जो जिसमें एक्सेस कंट्रोल है, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग गेट्स को भी चिन्हित कर रहे हैं कि और वहाँ पर एक अलग से सिक्योरिटी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि पूर्ण तरह से हम लोग उसको फुल प्रूफ सुरक्षा के अंदर में उसको रखा जा सके। सर जो गिरफ्तारी हुई है, पुलिस टीम कौन कौन सा शामिल थे? पुलिस टीम में हमारे DSP और जो बैंक बोर्ड जो अफसर इंचार्ज है उसके नेतृत्व में सारी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इसमें जो भी ऑर्गेनाइज गैंग के लिए हम लोगों ने एक विशेष टीम बनाया है, विशेष टीम में हमारे जो DSP 1 हैं वो और DSP लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में, फिर उसके अंदर में कुछ इंस्पेक्टर्स हैं और सब इंस्पेक्टर्स हैं, पूरी एक टीम है जो पूरी टीम काम कर रही है। इसमें पूरी टीम वर्क से हम लोग काम करते हैं और जिस कारण से हम लोग का जो भी उद्भेदन है वो हम लोग जल्दी कर पाते हैं। थैंक यू।